रहा है और चिराग के मुझे आके अभ्यास करा रहा है और मुझे ताकत के लिए हाथ पांव में ताकत आना करके एक्सरसाइज करा रहा है। आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन है? मेरा फेवरेट एक्सरसाइज बिल्ट खींचना, अपने कमर को मजबूत करना। Last 3 years, I have worked with people of all ages, including those above 50, 60, and 70 years of age as well. And in that time, I have also come to understand that everyone can train. And when my grandmother said that she wanted to train because she was having trouble moving around doing her daily activities, I started working with my grandmother. The kind of workout I designed for my grandmother were based on her health history. She has numerous medical conditions. Initially, we started with doing exercises on the bed, where she's trying to show us some of the exercises that she's very excited about. मैं नीचे गिर गई थी, जब पाँव में मोच आने के कारण घुटने में तकलीफ हो गई थी, लकड़ी का सहारा लेके चलती थी मैं। पर उससे क्या है, मुझे बार बार लकड़ी उठाना अच्छा नहीं लगता था, मैं घर में ऐसे ही चलती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे चलो, पर अब अपना काम अपना कर लेती हूँ। और अब मुझे इतनी महसूस नहीं है कि मुझे कोई लकड़ी का सहारा होना या किसी का सहारा होना। अब मैं नीचे जमीन में भी बैठती हूँ, मेरा चिराग मोटा के ऐसे पता है कि धीरे धीरे कैसे कैसे क्या करना, वैसे वैसे मैंने किया। उससे मुझे अभी दर्द नहीं है, शरीर में फुर्ती भी है और काम करने की शक्ति भी, हाथ पांव में भी तकलीफ नहीं होती है मुझे। मुझे अच्छा महसूस होता है कि कोई को प्रेरणा मिलती है मुझे देख के, छोटे बड़े और बड़ी उम्र वालों को भी, छोटे उम्र वालों को सबको प्रेरणा मिल रही है। हर एक काम अपन कर सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं होती है उनको, पर मन को अपना एक विश्वास होता है कि मुझे सब अच्छा होगा और अच्छा होगा। थोड़ी तकलीफ होगी, दो दिन आराम कर लो, फिर वापस कर दो, पर काम छोड़ना नहीं चाहिए।